अस्सलाम वालेकुम, मैं N24 न्यूज़ एसटी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, खबर शामिल करेंगे नौशहरा से। नौशहरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का थाने का दौरा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर खान का थाना अकबरपुर का अचानक दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम, सफाई हवाला चेक किए। महर स्टाफ को हदायत दी के थाने में आने वाले सालीन के साथ खुशी इखलाकी से पेश आए। बुजुर्गों और खवातीन और बच्चों का खसूसी ख्याल रखें। नौशहरा से आपको बताएं कि नौशहरा में सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया गया। मुकदम खान DP कैंट सर्कल का मौजूदा सिक्योरिटी हालात की पेश नजर। नौशहरा कचहरी की सिक्योरिटी सूरतेहाल का तफसीली जायजा। जायजे के दौरान CCTV कैमरे, संतरी पोस्ट और दीगर सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया और मजीद बेहतर बनाने के अहकाम भी जारी किए। ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मुलाकात करते हुए सिक्योरिटी से मुतालिक जरूरी हदायत जारी की। मौजूदा हालात के पेश नजर हिफाजती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की खसूसी तलकीन भी की। कोटरी में एंटी थेफ्ट मुहिम की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कोटरी में हेस्को चीफ के अहकाम पर एंटी थेफ्ट मुहिम के दौरान कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 20 के करीब डायरेक्टर कनेक्शन मुनकता, 3 के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत, 5 लाख से जायद की रिकवरी मौके पर कराई गई। हेस्को चीफ मोहम्मद रोशन, जनरल मेजर CNCS उमर हयात गोंदर, जनरल मेजर ऑपरेशन राना मोहम्मद अयूब, चीफ कमर्शियल ऑफिसर निसार अहमद मेमन से AC लार्ड XCN कोटरी मनीर पनवार की हिदायत पर एंटी थेफ्ट मुहिम पुलिस एहलकारों के हमरा जारी। कोटरी सब डिवीजन कुंडा माफिया और 100% रिकवरी पर भरपूर कार्रवाई शुरू की गई। STO कोटरी गुलबहार की कयादत में सिंध पुलिस के अहलकारों के हमरा मुख्य इलाके जिनमें महाजर कलोनी, लंदराबाद कलोनी समेत दीगर इनके करीबी इलाके गलियों को पोल टू पोल चेक किया और इस दौरान कार्रवाई करते हुए 25 के करीब डायरेक्टर कनेक्शन भी मुनकता की और बिजली की तारें तहवील में ले ली गई। घोटकी कच्चे के इलाके में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कच्चे के इलाके में एक रोज फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में कच्चे के मकीनों का चेकअप किया और फ्री दवाइयां भी दी। बच्चे, खवातीन और बड़े मेडिकल कैंप से मुस्तफिद हुए। DG रेंजर सिंध के अहकाम पर एक रोज कैंप का इनेकाद किया। घोटकी की तारीख में पहली बार कच्चे के लोगों के लिए इस तरह के इकदाम रेंजर की जानिब से किए गए। पुलिस और रेंजर्स ने उन इलाकों की बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पा लिया और अमन कायम किया। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ अभी पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है। हरिपुर में रेस्क्यू 112 का इफ्तिताह कर दिया गया। कायद हस्बे इख्तलाफ PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जनाब उमर अयूब ने 6,83,53,000 रुपए के खतीर फंडिंग से रेस्क्यू 112 का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर और DPO हरिपुर समेत दीगर इंतजामी अफसरान भी हमरा। इफ्तिताही तकरीब से अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब खान, चौधरी शफाक, शाहिद इकबाल, खालिद महमूद और दीगर खिताब कर रहे हैं। कोटरी में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गयी। कोटरी पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गयी। कोटरी लेबर कॉलोनी के मकीनों का पुलिस के खिलाफ बी फीडर नहर पर एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज के सबब ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरी शदीद गर्मी में बुलबुला उठे। मुजाहरीन का पुलिस के खिलाफ 3 घंटे से एहतजाज जारी। कोटरी ठट्टा जाम शुरू, जाने वाली ट्रैफिक के आमदोरफ मुकम्मल बंद। कोटरी साइड पुलिस ने आमिर लगारी को गिरफ्तार करके मुइना जारी मुकाबले में जख्मी कर दिया। मुजाहरीन नौजवान गरीब रक्षा ड्राइवर का बेटा है जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ ST, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।